क्या इंडिया का नाम चेंज होके भारत हो जाएगा? और क्या व्हेल्स पानी में रहकर भी पानी में डूब सकती हैं? या फिर क्रेडिट कार्ड का इन्वेंशन कैसे हुआ था? इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। सो हे गाइस, दिस इज शुभम सिंह हियर एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि जब तक आप इस वीडियो को देख के खत्म करेंगे तब तक अर्थ लगभग 5000 माइल से भी ज्यादा ट्रैवल कर चुकी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ हर 5 मिनट्स में लगभग 5000 माइल से भी ज्यादा का ट्रैवल करती है। फैक्ट नंबर 9, आप ना अभिषेक सर, आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं। एक तो मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक नहीं बस अभिषेक अभिषेक, और कुछ नहीं करना है, सीधा ताला तोड़ते हैं। अभिषेक सर, अभिषेक। जब भी कोई हमारे नाम का गलत प्रोनाउंसिएशन करता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे समझाएं कि देख भाई, नहीं, ये मेरे नाम का सही प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन इस आदमी के साथ कहानी उल्टी है। ब्रिटेन का एक आदमी जिसका नाम था टिम प्राइस, उसने अपना नाम चेंज करके रख दिया टिम प्राइस। हालांकि ये बोलने में काफी ऑकवर्ड है, लेकिन उसने अपना नाम इस तरह चेंज किया ताकि टेलीमार्केटर्स को प्रोनाउंस करने में काफी दिक्कत हो। फैक्ट नंबर 8, अक्सर हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ईबे, ओएलएक्स पे तरह तरह की चीजें खरीदने के लिए मिल जाती हैं, जो लोग अपने फन के लिए डालते हैं, जैसे कि 200 रुपए की मिठाई, ताजमहल और वगैरह वगैरह। ऐसे 2006 में एक आदमी ने न्यूजीलैंड को बेचने की कोशिश की थी और उसका प्राइस लगभग $3000 तक पहुंच गया था, लेकिन तब तक ईबे ने उसको शट डाउन कर दिया। फैक्ट नंबर 7, क्या कॉइल जलाने के बाद भी रात भर मच्छर आपको परेशान करते रहे हैं और आपके मन में आया हो कि क्यों ना मैं इस मच्छर को जहर दे के मार दूं? हालांकि ये थोड़ी सी इम्पॉसिबल चीज हो जाती है, लेकिन आप ये किसी और पर ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि बिच्छू पर। हालांकि आपको बिच्छू को जहर नहीं देना है, बस अगर आप बिच्छू के ऊपर एक बूंद शराब रख दें तो वो पागल हो जाएगा और अपने आप को ही मौत के घाट उतार देगा। फैक्ट नंबर 6, और क्या आपको पता है कि एशिया पूरे वर्ल्ड का 30% लैंड कवर करती है, पर एशिया में ही वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी रहती है। एशिया पूरे वर्ल्ड का लगभग 60% पॉपुलेशन कंटेन करती है, जिसमें से सबसे टॉप पे चाइना है, उसके बाद से हमारा भारत। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक या फिर डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कि व्हेल्स बहुत ज्यादा अंडर वाटर नहीं रहती हैं। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि व्हेल्स अगर बहुत ज्यादा देर तक अंडर वाटर तक रहे, लगभग 30 मिनट्स तक, तो वो डूब जाएंगी। इस वजह से व्हेल बहुत ज्यादा देर तक अंडर वाटर नहीं रहती हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और खाना खाने के बाद जब बिल पे करने की बारी आई तो आपने देखा कि आपका वॉलेट गायब है या फिर आपका वॉलेट चोरी हो चुका है? तो उस टाइम आपको काफी एम्बैरेसमेंट फील होगी, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी इस गलती की वजह से कोई इन्वेंशन हो सकता है? शायद आप कहेंगे नहीं, पर एक इन्वेंशन हुआ है। जो क्रेडिट कार्ड आप आज यूज करते हैं वो इसी गलती की वजह से इन्वेंट हुआ था। फैक्ट नंबर 3, कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने घरों में बंद हैं और बाहर सिर्फ राशन पानी लेने के लिए ही निकल रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां राशन पानी मिलना भी बहुत मुश्किल है। और इस सिचुएशन के हिसाब से हमें पूरी फील आती है द वॉकिंग डेड की, लेकिन बस कमी है तो ज़ॉम्बीज की। पर क्या हो अगर कभी ज़ॉम्बी अटैक हो जाए तो सबसे सेफेस्ट जगह कौन सी होगी रहने के लिए? सो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक लोकेशन, टोपोग्राफी, आर्म पॉपुलेंस, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, ये 10 कंट्रीज सबसे सेफेस्ट हैं अगर कभी भी ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है तो। जो 10 कंट्रीज हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, कजाकिस्तान, बोलीविया, नॉर्वे, फिनलैंड, अर्जेंटीना एंड स्वीडन।
ये 10 कंट्रीज सबसे सेफेस्ट हैं अगर कभी भी ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है तो। फैक्ट नंबर 2, मोबाइल फोन्स हमारे लिए आजकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं और टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा हमें अपडेट रहने की आदत हो चुकी है, और जैसे ही कोई नया फीचर आता है तो हम चाहते हैं कि हमें अपडेट के थ्रू वो फीचर अपने फ़ोन में जल्द से जल्द मिल सके। और ये तो आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन सेल्स आजकल कितनी ज़्यादा टॉप पे हैं, जैसे ही कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है तो उसके मिलियंस ऑफ फ़ोन तुरंत बिक जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था 1876 में, तब उस वक्त एक महीने में सिर्फ 6 फ़ोन बिके थे। और आप इसका कंपैरिजन आज के दौर में कर सकते हैं कि आज के दौर में लगभग मिलियंस ऑफ फोन सिर्फ 1 सेकंड में बिक जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, और फ्रेंड्स दुनिया में अलग अलग तरीके के पिटीशंस तो साइन होते ही रहते हैं, और शायद कभी ना कभी आपने भी कोई पिटीशन साइन किया हो, जैसे कि ब्रिंग बैक आयरन मैन, बैन टिकटॉक और वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा आज का पिटीशन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये हमारे देश के ऊपर है। जी हाँ, पिटीशन साइन हुआ है कि इंडिया का नाम चेंज होके भारत हो जाए, और पिटीशन साइन करने वालों का कहना है कि इंडिया नाम हमें ब्रिटिश से मिला था, जो कि गुलामी का प्रतीक है और जिससे हमें बहुत ठेस पहुंचती है, तो इसलिए इंडिया का नाम चेंज होके ओरिजिनल नाम भारत होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर 2 जून को सुनवाई करने वाला है, तो ये भी काफ़ी देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में क्या दलीलें चलती हैं और इस पे आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरे ख्याल से तो अच्छा ही है कि हमारे इंडिया का नाम वापस भारत हो जाए, लेकिन फिर भी आप अपने व्यूज़ कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और नीचे दिए हुए उस लाल सब्सक्राइब बटन को सफ़ेद कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसे ही इनसेन फैक्ट्स बताते रहते हैं।